ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। साथियों, झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। दो तीन दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है, नीचे रखिए। आप सबको नीचे रखिए, वो फ्रेम वगैरह सब नीचे रखिए। आप, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, भाई मैंने देख लिया। आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपने इतना बढ़िया चित्र बनाया,
आपका प्यार मुझे मंजूर है, इसको नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। ये प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई बहन, मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है, यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या?
क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है, ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है, हजारों करोड़ रुपये के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना, कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे? टीवी में महीनों तक के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था, ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों।